गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ आकृति सिंह। और तो आज की व्लॉगिंग कुछ ऐसी है, कुछ इसलिए है क्योंकि एक्चुअली हुआ यूं कि हमारे एग्ज़ाम्स अभी स्टार्ट होने वाले हैं, तो मतलब 26 ऑफ जुलाई से हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं MSc 4th semester। तो ये सोचा था कि हॉस्टल जाएंगे और फिर कुछ दिन बचे हैं तो अच्छे से इंजॉय करेंगे और मतलब और फिर लखनऊ पूरी MSc तो मेरी घर पे ही निकल गई, तो ये सोचा था कि लखनऊ एक्सप्लोर करेंगे, घूमेंगे थोड़ा बहुत। और भाई साहब क्या ही नाकांड हो गया। मतलब यहाँ पे जो हमारी जो वार्डन है, जो हमारी प्रोवोस्ट है, उन्होंने बिल्कुल ही मना कर दिया है कि हॉस्टल से निकलना ही नहीं है। अब बताओ यार, ऐसा क्या मतलब यार, ठीक है हम लोग PG के स्टूडेंट, हम लोग को पता है कि हम लोग खुद ही प्रिकॉशन से रहेंगे और फिर केयर करेंगे, लेकिन ये ऐसा बोल दिया इन्होंने कि निकलना ही नहीं। अब बताओ ऐसा क्यों, मतलब ये पता है 2 कदम की दूरी पे पुलिस लाइन थी। मतलब मुझे डिटर्जेंट लेने थे, सोप लेने थे, काफ़ी सारे सामान थे। बोलती हैं कि आप घर पे आई, तो घर से आ रही हैं तो लेके क्यों नहीं आई। अब बताओ यार, 5-4 महीने बाद आ रही हूँ तो ये चीज़ याद रहेगी क्या कि क्या सामान यहाँ है क्या नहीं है। अब मूड ख़राब कर दिया एकदम। अब मेरे से मेरा नाम पूछ रही, मैंने उनको फ़ोन किया था तो मेरे से मेरा नाम पूछ रही कि नाम क्या है तुम्हारा, और डिपार्टमेंट पूछ रही हैं बच्चों को डराने के लिए या जो भी उनका वो हो, हमें नहीं पता। बताओ यार, ये ऐसा कौन करता है यार। यार कुछ दिन बचे तो हमें भी पता है कोविड चल रहा है, तो फिर हम खुद ही अपने प्रिकॉशन से रहेंगे, आप ऐसे क्यों कर रहे हो। थोड़ा तो निकलने दो यार, ऐसे कुछ लड़कियों को भी काफ़ी सामान होती है लेने को, बहुत नींद होती है, मतलब निकलना ही नहीं है, ज़रा सा भी नहीं निकलना। बोलो यार, ऐसे कैसे होगा। फिंगर क्रॉस्ड, देखते हैं कि मतलब होप्स हो कि यार कुछ हो उनका, कोई थोड़ा कोई माइंड चेंज करें उनका कि थोड़ा तो निकलने दे, एटलीस्ट आधे घंटे के लिए ही निकलने दे। इतने सारे काम होते हैं, इतने सारे बहुत सारे चीज़ें होती हैं लेनी होती है, मतलब कुछ भी यार, इंसान थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड फील करता है, थोड़ा वो चेंज हो जाए, लेकिन थोड़ा तो निकलने दे। तो लेट्स होप, फिंगर क्रॉस, लेट्स होप कुछ चमत्कार हो जाए। तो चलते हैं अभी फिर रूम में, कोशिश करती हूँ पढ़ने की क्योंकि सुबह से कुछ खास पढ़ाई हुई नहीं है, तो जा रही हूँ पढ़ने। टड़ा करती हूँ। आज का ब्रेकफास्ट था बन बटर। आई एम सो हैप्पी बिकॉज माई सिस्टर गिवन मे दिस फ्रॉम हर फर्स्ट सैलरी। खाना इतना ही बेकार मिल रहा है कि सैलेड के भरोसे बस कैसे। जस्ट लुक एट द नेचर यार, कितना सुंदर लग रहा है। तो अभी यहाँ थोड़ी सी बारिश हुई थी, तो अभी हम अपने हॉस्टल के गार्डन एरिया में ऐसे ही घूमने के लिए आए थे क्योंकि नींद आ रही थी रूम में। तो ये है मेरी रूम में, जिनको बारिश होने के बाद इनका फोटोग्राफी का भूत सवार हो गया, तो ये फ़ोटो वगैरह ले रही हैं। एंड सी सो स्वीट एंड ब्यूटीफुल, आई मस्ट टेल यू। और इनकी फोटोग्राफी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, अभी शुरू ही हुई, ख़त्म ही नहीं हो रही है, लेकिन खैर काफ़ी सुंदर हो गया था पूरा अपना ग्राउंड, तो हम ऐसे कब भी लेने आए थे।
सो आज के लिए बस इतना ही। मुझे अब बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, तो फिर आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और क्या, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा।